बात सुनते सुनते कि बहुत सारे लोगों से ये साधनाएं हमने ली है, साधनाएं घर पर की है, मुझे मालूम है घर पे क्या होता है। साधना करने बैठ जाते हैं, हमारे को करण पिशाची सिद्धि है सभी को है। अभी आपको बताया करण पिशाची सिद्धि क्या होती है, आपका मोबाइल फोन करण के पास रख लेते हैं, आकर बार बात करते रहते हैं, डिस्टर्ब करने वाला नंबर वन। सभी को साधना सिद्ध हो गई है आजकल और सभी के पास है ही है, और ये सिद्धि आपको कभी भी डिस्टर्ब करती रहती है। साधना में बैठे फोन की घंटी बजी, मोबाइल बजा, साधना का माइंड डाइवर्ट हो गया। पहली बात मोबाइल, दूसरी बात अपनी धर्म पत्नी महालक्ष्मी है वो पुकारेगी, साधना डिस्टर्ब हो गई। बच्चे हैं पुकारेंगे डिस्टर्ब हो गया, मित्र पुकारेंगे डिस्टर्ब हो गया, कभी पैसा याद आ गया, कर्जा याद आ गया, डिस्टर्ब हो गया। तो इस प्रकार का डिस्टर्बेंस घर में बैठे तो होता ही रहता है, और हमारे कोई साधना स्थल हो इसलिए मैंने निखिल चेतना की स्थापना की है। और मैं भी मेरे बच्चों को और बच्चियों को उनको घर देकर छोड़ दिया हूँ, मैं भी निखिल चेतना के लिए मैं आगे रह रहा हूँ ताकि आपके साथ साधना कर सकूँ। इस सारे साधना के लिए गृहस्थ होना, ऐसा कोई अपना ऋषि नहीं है। सप्त ऋषियों में से देखो जिनको 10 पत्नियां थी, और कश्यप प्रजापति को तो 1000 पत्नियां थी और 60,000 संतान थी। अगर आप कभी सुनते हैं हर एक ऋषि को 10 पत्नियां थी और 100 लोगों से लेकर पश्चिम महाराज को 100 पुत्र थे और उनको विश्राम के मार्ग के लिए आए। वो गृहस्थ थे, कोई सन्यासी नहीं था, कोई वैराग्य नहीं था। और मैं आपको वैराग्य नहीं सिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि एक योग्य गृहस्थ किस तरह बनाया जाता है। आप जियो और आपके साथ 10 लोगों को जीने की प्रक्रिया सिखा रहा हूँ, और मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, मैं ऐसा जिया हूँ, मेरे गुरु जी ने आपको भी इसी जीने की सिद्धि देने की बात कही। कोई भी साधना ऐसी नहीं है जिसमें आप वैराग्य प्राप्त कर घर छोड़ के भाग जाओ। कोई भी साधना ऐसी नहीं है कि आप जाके संन्यास, आप जाके संन्यास लो। आप अपनी पत्नी बच्चों के साथ साधना सिद्ध करते हुए, उनको सुख प्रदान करते हुए, अपने माता पिता सभी की सेवा करते हुए आप साधना रत हो जाओ और आगे बढ़ो। ऐसा ही गुरुजी ने किया, ऐसा ही मैं कर रहा हूँ। और जब तक मैंने आपको जैसा कहा, मैं उदाहरण आपके लिए नहीं बनता, मैं बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने हमने हजारों पुस्तकें देखी है आज संसार भर में। अगर आज भारत में जाओ तो हर पुस्तकालय में आपको 15 की पुस्तक मिल जाएगी। मैं एक बार ऐसा ही एक हमारे पास हैदराबाद में गुरु से दीक्षित था, मेरे से रहा और बाद में जरा उसको लिखने की बहुत लिखने का बहुत शौक था। उसने दशमा विद्या पर पुस्तक लिख दिया, कौन से इसमें से दो, उसमें से दो साधना, इसमें दो साधना, ये पुस्तक लिख दिया। एक पुस्तक लिया जाने तो मैंने कहा उसकी भुक्ति के लिए लिखा है, उसने बाद में और 2-3 पुस्तकें 4 पुस्तकें लिखी। मैं एक बार गया उसको, अरे तो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा हूँ, पुस्तक लिख रहा हूँ बस, सभी को इसमें ज्ञान, ये पुस्तक जो लिख रहा है तेरा पुस्तक अगला आदमी पढ़ेगा और तू जैसा कहा इसको करेगा उसको सिद्धि मिलेगी क्या। अरे मैं वो उस मंत्र महाराण में देखा हूँ ऐसी ही साधना लिखी है, तो मंत्र महाराण की काफी कर रहा है, मंत्र महाराण में गलती हो जाए तो उसने कहा गलती हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो जैसा है मैंने वैसा ही लिखा। अरे वो तू जो लिख रहा है उसमें गलतियां तू नहीं देखता, तेरे को अनुभव भी नहीं है, और कल तेरा पुस्तक कोई पढ़ेगा और वो साधना करेगा तो वो भी बर्बाद तू भी बर्बाद, ऐसी पुस्तकें तुम लिखते क्यों। और इस एक बार की बात है, वो लिखते लिखते स्तोत्र लिख रहा था कि माँ मैं साधना करते हुए पूजा करते हुए मैं आपके चरणों में तिरस्त स्थाई से आपके चरणों में बैठ जाऊं, लेकिन वो स्तोत्र लिखते लिखते वो क्या लिखा वो कि माँ तू चिरन मेरे चरणों में चिरन तिष्ठन्तु स्वाहा, चरण तिष्ठन्तु स्वाहा था वहां लिखा था चरण तिष्ठन्तु स्वाहा, चरण तिष्ठा का मतलब मैं तेरे चरणों में बैठ जाऊं या चरण तिष्ठा में तेरे पास रह जाऊं, लेकिन चरण तिष्ठन तो स्वाहा का मतलब है माँ तू तेरे मेरे चरणों में आकर बैठ जाऊं। घर में उसके 2 बच्चे बन गए, वो बाद में बोली मैं इतनी काली साधना करती हूँ गुरु जी ऐसा क्यों हुआ, मैं बोले तू क्या साधना करती है, देखो ये स्तोत्र पढ़ती हूँ उसमें तो क्या पढ़ रही हो, उसको बोला एक बार पढ़ के बता। तो उसने कहा माँ काली तू मेरे चरण में बैठ जा, तेरे चरण में काली बैठेगी तो शव बन जाएगी, देख तेरे घर में 2 शव उठे हैं। तो ऐसे पुस्तकों को ज्ञान को लेकर हम जब इस गलती को सुधारते हैं और हम करते हैं, और ये पुस्तक लिखने वाले अगर ऐसे लिखते हैं तो हम साधना संपन्न नहीं होगी। मैंने उसी से कहा कि तू उस स्टेज पर खड़ा हो जा, तू पुस्तक लिखा है तू बता ही लिखा है इससे जगह के बता सकेगा, क्यों लोगों को ठग रहा है। और हम पुस्तकों को प्राप्त करके करते हैं और आगे हम डगे जाते हैं, हमारी उत्तर साधना सिद्ध नहीं होती। गुरुमुख से जब तक नहीं आता, गुरु एक माला पकड़ने का विधान, साधना में बैठने का विधान जब तक नहीं बताता तब तक साधना सिद्ध नहीं होती। चाहे तुम हजारों युद्ध करो, कल एक बहन मुझे पूछ रही थी कि साधना सिद्धि तारा सिद्धि करना चाहते हैं, तारा सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक मंत्र गुरु देवता इसमें भेद देखते हो, कोटि वर्ष आप साधना करो कुछ नहीं होगा। जब तक आप में निष्ठा नहीं होगी कि गुरु देवता और मंत्र एक है तब तक साधना आपको सिद्ध नहीं। जब अपने गुरु में देवता को और मंत्र को देखते हैं, गुरु से लिए हुए मंत्र को देखते हैं, तभी साधना हमें सिद्ध होगी।
और इस साधना को करने का विधान जब हमें मालूम होता है तो मैं कहता हूँ आप मेरे सारे साधकों को, आप गुरु पूर्णिमा से लेकर आज तक भी आए हैं या मैं जहाँ, आप नए होंगे या पुराने होंगे, तो मैं एक बात कहता हूँ, आप महीने में, आपका महीना मुझे नहीं चाहिए, आप महीने में केवल 5 दिन मुझे दे दो गुरु के नाम पर, वो भी दिन के 5 घंटे। मैं साधना की सिद्धि आपके पीछे देवताओं को भगाऊंगा, नहीं भगाऊंगा, कहीं तुम्हारा दुष्ट नहीं हूँ, लेकिन दो आप साधना, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। गुरु जी कहा करते थे कि जिसका योग्य गुरु हो, जैसे गुरु पे विश्वास रखने वाला हो, गुरु के प्रति समर्पित हो, गुरु के वचनों को सिद्ध मानकर चल रहा हो, देवता उसके सामने खड़े होते हैं कि ये कब बुलाएगा और इसको हम एक कब साधनाएं दे, चाहे यक्षिणी हो, अप्सरा हो, इसका क्या मतलब होता है? यक्षिणी अगर आपको सिद्ध हुई और आपका सदुपयोग करते हैं तो यक्षिणी को प्रमोशन मिल जाएगा, वो अप्सरा बन जाएगी, और अप्सरा सिद्ध होगी, अप्सरा काम करती है तो वो सिद्ध होगी, देवता बन जाती है, और देवता सिद्ध होती है तो उसे भी परमपूजनीय बन जाते हैं, उनको उस विष्णुलोक में गोलोक में स्थान मिलता है। तो वो आपके जरिए अगर काम करके उसके कामों से अच्छा होता है तो वो काम आगे बढ़कर उस श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। देवता यूं ही आपके पास भी नहीं आते, पूजा करने पर भी, बुलाने पर ही देवता आते हैं, जाने जाने वाले को देवता नहीं मिलते, और देवता को पुकारो तो भी तुम्हारी पुकार है। यहाँ से मैं आज बोल रहा हूँ, मुझे माइक की जरूरत इसलिए कि आपको पीछे वाले को सुनिए, ये एक यंत्र है, यहाँ पुकार रहा हूँ तो आगे वाले को सुनने आता है, इसको हटा के बंद कर दो तो आगे पीछे वाले को सुनने नहीं आएगा। उसी तरह आपकी पुकार देवता सुने, इसलिए प्राण प्रतिष्ठित यंत्र दिया जाता है, उससे आपकी पुकार, आप जो मंत्र कर रहे हैं वो देवता तक पहुंच जाए और देवता सुने, देवता सुनने के बाद आपके सामने देवता आए और आप आगे का कार्य करें। एक बार छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक बार ऐसा ही हुआ, एक साधक गुरु के कहने पर गणेश जी की साधना करने बैठ गया। गुरु ने कहा 21 दिन तो साधना कर ले, 22वें दिन तो ये साधना सिद्ध होगी। उसने 21 दिन साधना की, 22 देखता रहा कि गणेश जी आ रहे हैं, 22वां दिन गया, 23वां दिन गया, हट बोले गणेश जी नहीं आए। गुरु जी गणेश जी नहीं आए, मेरे गणेश जी दास नहीं आए, दूसरे गुरु के पास गया, उसने कहा रहे ये गणेश जी ने दुर्गा की साधना कर ठीक रहेगा। उसने दुर्गा की साधना आरम्भ कर दी, उसने कहा 11 दिन में तुझे दुर्गा सिद्ध होगी। 11 दिन हो गए, 11 दिन में देखा नहीं सिद्ध होगी, 12वें दिन चल ये भी गुरु अच्छा नहीं है, तीसरे गुरु के पास गया, उसने कहा तो अभी बस कुछ नहीं, शिवजी की साधना कर ले, बराबर शिव प्रतीक, 5 दिन में प्रतीक फिर डाले। उसने 5 दिन की साधना की, शिवजी की साधना करते हुए बैठा और 5 दिन हो गए, देखा कुछ नहीं हुए, तो 6ठे दिन गुरु जी आ गए। गुरु जी आकर क्या कहा, अरे क्या कर रहे हैं? तो बोले साधना कर रहा हूँ। कहा गुरु जी, पहले गुरु आए, दूसरे गुरु आए, तीसरे आए, मैं साधना करते ही रहा और ये कोई देवता प्रत्यक्ष नहीं हो रहे। तो क्या कहा, मैंने तुझे 21 दिन की साधना दी है ना, तू 21 दिन पुकारता रहा, अगर बड़ौदा से लेकर हैदराबाद आना है तो कितने घंटे लगेंगे? 24 घंटे। ट्रेन से आए तो 2 घंटे, 2 घंटे से फिर आश्रम आने के लिए और 2 घंटे लगे, कितना 4 घंटे का समय लगता है। तूने 21 दिन की साधना की, भगवान को कहाँ है समझता है? तो कहीं ब्रह्मा ब्रह्मांड रूप में कहीं भी आकाश में होंगे, अरे फिर वहां से आने के लिए टाइम तो लगेगा, रुकना तो था 2 दिन। बोले नहीं रुका, अरे तुझे क्या बताऊं, तू जिस दिन गणेश जी की साधना कर रहा था, जिस तीसरे दिन गणेश जी के द्वार पर आए, देखते क्या है कि तू दुर्गा की साधना बैठा है, अरे मेरी माँ की साधना करने पर गणेश जी लौट गए। बाद में दुर्गा साधना के बाद दुर्गा माता आई तीसरे दिन और देख रही थी, अरे देखिए तो मेरी साधना में शिव मेरे पति की साधना कर रहे हैं, वो उठ के चलेगी, बोले शिव जी की साधना कर रहे हैं, मेरे पति की माई क्यों हूँ, वो चलेगी, जिस दिन शिव जी आने वाले थे तो उस दिन सर पीट रहा था, मुझे आना पड़ा, तो तीनों भी आए, लेकिन तेरे में सबर ही नहीं है कि तुम तीनों साधना के लिए देखो, आज प्रत्येक दिन नहीं हुई। हमारे में कम से कम इस स्थान का, इसका हमारे में सहन शक्ति हो, हमारे में एक तरह की श्रेष्ठता हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार ऐसे ही हमारे एक साधक थे, वो बैठे हुए थे गुरु जी के कहने पर साधना करने बैठ गए, ध्यान नहीं लगा था भगवान पे, इधर उधर भटक के रहता है, तो अब मैं लास्ट टाइम तो शिव जी दे रहा हूँ, शिव जी की मूर्ति उसकी साधना जरूर कर दे। वो साधना पूजा का, उसका पूजा का स्थान था, वो साधना करके बेटा अच्छा सब अगरबत्ती वगैरह लगाया, कहा कि गुरु जी ने कहा है कि भगवान की साधना करते हैं एक भगवान पे कॉन्सेंट्रेशन करो। वो कॉन्सेंट्रेशन करके करते देखा कि बाजू में कृष्ण और विष्णु की भगवान की मूर्ति है, वो अगरबत्ती और दिया जला रहा था, तो उसने क्या किया, अगरबत्ती को लगा के, ये अगरबत्ती की गंध भगवान विष्णु को जाएगी और कृष्ण को जाएगी, उसने क्या किया, नाक को कपास लगा दिया, भगवान को नहीं जाना चाहिए, ये नाक को कपास लगा दिया कि केवल शिव को ही कहा है, शिव को ही इसका गंध जाना चाहिए, और उनको नहीं जाते हुए उसने उसका उजाला नहीं जाते हुए भगवान कृष्ण के उसमें एक बड़ा सा पट्टा लगा दिया। तत्काल विष्णु प्रत्यक्ष हो गए, अरे क्या कर रहा है,
अरे तुम ऐसा कैसे आ गए? तुम्हारे नाक में अगर बत्ती लगाने से तुम प्रत्यक्ष की बात पहले कह दे, मैं पहले नाक में डाला रहा था। अरे उन्होंने कहा मूर्ख, तुझे लगा कि तेरी अगरबत्ती का वास मैं अगर जब ले सकता हूँ तो मुझे मैं यहाँ हूँ इसका ज्ञान तुझे है। जब तुझे मैं यहाँ है तुझे मालूम है तो दूसरे भगवान के पास क्यों गया? तुझे अब लगा कि मैं यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हूँ, तब तो नाक में लगा लिया ना। तो जब तू ये पहले ही बात कहता कि मैं यहाँ हूँ तो मैं पहले सुन के आ जाता था। तुझे ये अविश्वास की जो भावना चलती है तेरे में कि मैं यहाँ नहीं हूँ, अभी तुझे लगा नाक में लगा लेने से भगवान विष्णु को जा रहा है तो उसका मतलब भगवान विष्णु है वो सुन रहे हैं। तो उसने तूने मेरी यहाँ परिस्थिति देखी, उपस्थिति तूने देखी है, इसलिए तू जब तक नहीं करता तब तक मैं प्रत्यक्ष नहीं होता। तुझे लगता है कि मैं यहाँ हूँ तो मैं प्रत्यक्ष जरूर हूँ, ऐसा नाक में मेरे कान उपास करने से नहीं आता, मेरे को बंद करने से तेरे विश्वास से आता है। तुझे विश्वास हो गया कि मैं यहाँ हूँ और तेरी अगरबत्ती का बंध ले रहा हूँ, तब तुझे लगाया। तो तब इस प्रकार हमारे में जब तक भक्ति नहीं आती, वो देवता है उसकी आराधना कर रहे हैं, जब तक हमारे में भावना नहीं आती और उस भावना के साथ हम नहीं करते, जब तक उसे मूर्ति समझते हैं तब तक हमें कुछ नहीं हुआ। हम यंत्र के प्रति हो, माला के प्रति हो, गुरु के प्रति हो या देवता के प्रति हो, हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए। हम गलती करते हैं तो प्रायश्चित हमारे अंगों से अश्रुजल बहने चाहिए, हमारे में समर्पित भावना आनी चाहिए कि प्रभु मैंने गलती की होगी, मुझे अब एक बार नहीं तो दूसरी बार होगी। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि एक क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट 20 बैठे हुए, टीचर तो पढ़ा रहा है, टीचर तो 20 लोगों को भी वही पार्ट सभी को पढ़ा रहा है, तो एक बच्चा फर्स्ट क्लास में पास होता है, दूसरा सेकंड क्लास में, तीसरा थर्ड क्लास में, चौथा फेल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर गलत है, पढ़ा तो सभी को क्लास में रहा था, वो फर्स्ट क्लास कैसा पास हुआ और ये फेल कैसा होगा या सेकंड क्लास थर्ड क्लास कैसा पास होगा, क्योंकि ग्रहण करने की शक्ति आप में जितनी है उतना आपके पास आप दे सकते हो। गुरु के प्रति आपका समर्पण है आप सिद्ध हो जाते हो, नहीं होते हो फेल होते हो, लेकिन फेल हुआ वाला बच्चा क्या वो स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल को जाता है? किस तरह स्कूल छोड़ता है? उसे तो पढ़ना तो वही है, क्लास में पास होना है, तो कहीं भी जाओ तो वो काली जाओ या कोई देवता को उसी देवता को उसी मार्ग पे जाना है। तो तुम एक ही देवता को पकड़कर अगर चलते हो या काम करके आगे होते हो तो आपको आपके जीवन में उस सिद्धि को प्राप्त करने के दिशा प्राप्त हो जाएगी। आप में यह असंपूर्ण भाव, यह समानता है भगवान के प्रति निष्ठा भाव जब तक आप में नहीं आएगा तब तक आप सिद्ध नहीं कराएंगे। अपनी सिद्ध कराने की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए समर्पण की कला होनी चाहिए, समर्पण का भाव आना चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अभी मैं बहुत देर तक बात करते रहा, यहाँ सब गुजराती भाई भी हैं और मेरे अगर मैं कहूँ कि ज्येष्ठ गुरु भाई और साधक मिस्टर पंड्या जी यहाँ आए जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं और ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 साल से 5 साल से मुझे जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे प्रति उनकी निष्ठा उतनी ही है, वे भी मेरे गुरु भाई हैं और मित्र चेतना केंद्र में 5 दिन पहले 10 दिन पहले यहाँ थे और मैं उनसे कहूंगा कि उनको मैंने निष्ठा के प्रति या कारा साधना के प्रति वो जिस साधना के लिए मित्र चेतना केंद्र में करने आए, अभी तक मैं बात क्या हूँ गुजराती में मेरी भावना को वे समझाए, मैं मित्र चेतना केंद्र के लिए किस लिए स्थापना क्या हूँ। मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई हैं, मेरे बड़े गुरु भाई हैं, मेरे से भी ज्यादा सीनियर हैं और आप उनसे गुजराती में गुरु जी के बारे में सुने, उसके बाद फिर मैं साधना नवीन तारीख की धनकाली साधना आपको समझाऊंगा। एक बार प्रभुजी सुखदेव जी का जयघोष करेंगे, बोलो प्रभुजी सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय, पूजनीय गुरुदेव की जय, हम सिद्धाश्रम की जय, हम सिद्धाश्रम सारे परिवार की जय, बोलो हर हर महादेव। पंड्या जी जो अहमदाबाद में रहने वाले हैं, एलएसी के डेवलपमेंट ऑफिसर और भी ज्यादा कुछ शायद हो गए रिटायर हो गए हैं और साधना में पहले से भी निष्ठावान है, उनकी निष्ठा देखकर ही मुझे कभी कभी लगता था कि इतने निष्ठावान व्यक्ति के प्रति हम साधना में उनका मुझसे जो हो सका वो ज्ञान या वो मैं उनको दे सकूं, उनकी सहायता कर सकूं, और वे भी उतनी ही तन्मयता के साथ यहाँ आए। मैं उन्हें दो शब्द अपनी ओर से साधना के प्रति गुरु जी के प्रति कहें, मनुष्य के जीवन में साधना की सफलता चूम नहीं लेती, साधना की सफलता वो देख नहीं लेता तब तक साधना के प्रति उसकी निष्ठा नहीं बढ़ती। एक बार उसको यह चटक किया जैसा शक लग जाए, जैसा चाय पीने की 7 बजते ही चाय पीते हैं तो चाय की चटक 7 बजते ही सर दुखने लगता है, चाय आई नहीं आई, कॉफी आई नहीं आई। उसी प्रकार भगवान साधना के प्रति हम अगर उतने ही गलत अनुभव करते हैं तो हम स्वयं देखेंगे कि उस समय साधना नहीं करते हैं तो हमारे में वही निष्ठा वही बाधा वही कष्ट हमें अनुभव होगा और इस साधना की ललक अक्षरशा लगनी चाहिए और ये तब लगेगी जब आपको लगेगा कि मैं पास हो गया, मुझे सिद्धि मिली।
और मैंने यही बात पंडित जी से कही, पंडित जी आज आपके जीवन के 37 साल होने से निर्धन हो गए, मुझे आपको देखकर आपकी साधना के प्रति निष्ठा देखकर मुझे लगता है कि गुरुजी अब इतनी भी परीक्षा पंडित जी की छोड़ दो, बहुत परीक्षा दी थी, आप इस बार उनको सिद्धि देना, नहीं तो वो गुजरात भर में झंडा लेकर घूमेंगे कि कोई साधना सिद्धि नहीं है। और मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना की, जिस तरह प्रार्थना की उन्होंने उतनी निष्ठा के साथ, जैसा उन्होंने कहा ये बात सच है, 5 दिन उनको कमरे में बंद रखा था, कोई साधना कक्ष में दूसरा आदमी जाने का सवाल ही नहीं, उन्होंने बाहर सूर्य नहीं देखा था, अंदर ही साधना कक्ष में थे। खिचड़ी पहले दिन तो ये ऐसा हुआ कि मैं हवन में बैठ गया था, भूल ही गए कि पंडित जी को खिचड़ी भेजना है, बाप बेचारे वो 5 रात के 11 बजे बाहर से फोन आता है कि गुरु जी मैं भूखा हूँ, मैं सभी आश्रम वासी को गालियां दे रहा यार वो खाली बैठे उनको कोई खिचड़ी बनी नहीं। फिर बाद में रात के 11 बजे पहले दिन खिचड़ी गए, दूसरे दिन से मैंने पूरा पूरी तरीके से आश्रम वासी को बोल दिया कि उनको साधना कक्ष में पहले खिचड़ी चाहिए, उनके साथ सोमेश्वर नाम के वैजाग के साधक भी थे, उन्होंने भी उनके जीवन में उन्होंने गुरु के साथ बहुत जुड़े रहे, कम से कम उनके जीवन में 120 बार तारा साधना की, और ऐसा कोई तारा शक्तिपीठ नहीं उन्होंने नहीं छोड़ा। जो वे भी आए एयरफोर्स में काम करते थे उनके साथ पंडित जी भी थे, और उन्होंने भी तारा सिद्धि और तारा की शरण मुद्राएं अपने माँ अपने पास अपनी सिराहाने लिखी और उस सिद्धि को उन्होंने भी देखा है। मेरा केवल यही है, आप जो निष्ठा उन्होंने रखे, ये बात अलग है कि आदमी बार बार फेल हो जाए तो उसको कंटाला आ जाता है, ये सब्जेक्ट बदल देता हूँ दूसरे सब्जेक्ट में जाता हूँ परीक्षा में फेल हो जाने के बाद, लेकिन योग्य गुरु हो तो साथ पकड़ के रख सकता है, तो उसको फेल होने के लिए भी शक्ति देता है कि तू फेल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू ज्ञान प्राप्त कर रहा है। हमारे पास एक कहावत है कि कोई से भी छोटी सी छोटा सा भी झगड़ा हो गया कि वो कोर्ट को चले जाते हैं, कोर्ट को चले जाते हैं, दोनों भाई इतना झगड़ते हैं इतना झगड़ते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में झगड़ रहे थे दोनों भी बेच के देते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन कोर्ट केस खत्म नहीं होता। बाद में मेरे साथ बड़ा आदमी जाकर पूछता है, अरे यार उस प्रॉपर्टी के लिए झगड़े, दोनों ने प्रॉपर्टी बेच दी लेकिन कोर्ट केस का झगड़ा था। बोले गुरु जी क्या कोर्ट के झगड़े एक्सपीरियंस आ गए हमारे को, प्रॉपर्टी तो चलेगी प्रॉपर्टी के बारे में देख, तो उसी के साधना करके करके एक्सपीरियंस आ गया लेकिन फल नहीं मिला। हमें जब तक इस फल की प्राप्ति नहीं होती, हम जब तक इस फल को प्राप्त नहीं करते, हम साधना के क्या नहीं क्या नहीं देते। इसलिए जिस साधना के प्रति हम घर में बैठकर मैंने जैसे कहा यहाँ वातावरण शुद्ध ना हो, क्यों शुक्ति पीट जाते हैं, क्यों वासुदेवानंद सरस्वती कहीं रहने वाले कहीं जंगलों में रहने वाले नर्मदा के तट पर आकर यही समाधिस्थ हो गए, क्योंकि उनको उस कार्य का उस स्थान की श्रेष्ठता मालूम होगी। उसी के लिए आपको साधना करने के लिए श्रेष्ठ स्थान चाहिए, और श्रेष्ठ स्थान के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरी कल्पना या मेरा एक था, क्योंकि मैं भी एक दो कमरे में रहने वाला छोटा सा व्यक्ति था, लेकिन मुझे लगा कि आज साधकों के लिए एक स्थान जरूरी है वो साधना कर सके। मैंने जैसे आपको कल बताया आज हम घर के बाहर या कहीं श्मशान में या कहीं नदी के किनारे जाकर स्नान करके बैठ जाते हैं तो कोई दूसरा आदमी देखे तो कहता है कुछ ये मंत्र तंत्र कर रहा है इसको मारो भगाओ तू क्या कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। हमारे घर में नहीं करने देते, गली में नहीं करने देते, लेकिन हम साधना करें तो काम करें, तो ऐसा कोई स्थान हो जहाँ हम हर प्रकार की साधना, तुम रात के 12 बजे करो 2 बजे करो कोई तुम्हारे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सारी दशमाग्नियों की साधना रात में करने वाली साधना है और हमें अनुकूलता चाहिए, और इस साधना स्थल को निर्माण करने के लिए ही मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की, और वह साधना करता करते हुए उन साधकों को जो साधना के प्रति निष्ठावान है साधना के प्रति अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको साधना की सिद्धि या साधना का मार्ग या मार्गदर्शन कर सकते। पंडित जी आए थे दूसरे दिन, कैसे आए गुरु जी ये गुलाब को जो गुरु ये तारा आप बुलाए तो याद है मुझे चाहिए कि मैं बुलाऊं और तारा आए, आप बुलाने से अनुपत नहीं मैं बुलाना चाहिए। मैं बोला जी तारा को बुलाने के लिए प्रभु अगर आप अपनी पत्नी को बुलाते हैं तो आपकी आवाज 2 मिनट में पहचान जाती है आपकी पत्नी आपकी आवाज को, अगर मैं वही बुलाऊं तो आएगी क्या, कौन है बोलेगी पहले है ना, तो उसी तरह तारा को सिद्ध करके बुलाने के लिए उसकी आवाज में बुलाना चाहिए, पहले उसका परिचय अपने से परिचय उसके साथ अपनी शादी हो जानी चाहिए या उसके साथ अपना संबंध हो जाना चाहिए, तब हमारे पुकार को उसने ही वो आएगी। अभी तो संबंध तुम्हारे जुड़े हुए हैं, अभी उसको संबंध को अगर गहरा बना दो तो तुम जब भी पुकारो कि मेरे पंडित जी ने बुलाया मेरा पुत्र है मैं भाग के आई, तो उस पुत्र बनने की प्रक्रिया या उसके संबंध जुड़ने की प्रक्रिया उस महाविद्या के साथ संबंध जुड़ने की प्रक्रिया के लिए क्या करना चाहता है, तो मैंने उनको वो मुद्रा बताई जिस मुद्रा से तारा का आह्वान होता है, जिस मुद्रा से तारा को आह्वान किया जाता है और उनको किस मंत्र से उनका आह्वान किया जाता है, किस प्रकार तारा को अपने सर के नीचे लेने पर आह्वान किए, बहुत जगह
बहुत बड़ा ऐसा भी हुआ, बहुत निष्ठा के साथ तारा साधना की और तारा ने कहा उसको स्थान नहीं रखा तो आई शरण मुद्रा उसके सकें छे दादी से दूसरे दिन अपना दुपट्टा अपना झाड़ दिया वो जाके कहीं कहीं गिर गए मेरे को तारा सीधने में चले गए। लेकिन जैसा ही गिरा तो उस तारा की दीवी शरण मुद्रा तो भैरव आके उठा के लिया भाई ये प्रसाद है तारा का इसने किया। आराम जब माला करते हैं तो आप कभी भी आनंद को छुपा के जब माला करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि एक शादी गंधर्व अपने जब का फल ले जाते हैं। उसी तरह हमारा फल तारा का अगर हम बाहर गिर जाता है हमारी आंखों को नहीं दिखता तो एक से गंधर्व भैरव उठा के ले जाते हैं। उसे तारा का एक स्थान सर के नीचे बनाए उसके लिए आठ कुलों को अपने पास रखकर सिद्ध करके माँ यहाँ तेरे कुलों का आसन डाल रहा हूँ मुझे जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी तो यहाँ दे दे यह जय बताते उसको स्थान बताते तो वही स्वर्ण मुद्राएं आएंगे नहीं तो कहीं गिर जाए। इसके सूक्ष्म ज्ञान को देने वाले कौन होते हैं इस सूक्ष्म ज्ञान को कितने लोगों को मालूम है। तारा सिद्ध भी हुई तो पता नहीं चलेगा काल ज्ञान प्राप्त हुआ भी तो पता नहीं चलेगा कि काल ज्ञान किसे कहते हैं। हमें जब तक इस ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति न होगी तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते यही बात मैं आपको बता रहा था। तो माँ भैरवी योगेश्वरी ने रामकृष्ण परमहंस को बताते हुए कहा कि रामकृष्ण परमहंस तू कभी पैसा और सिद्धि के पीछे भाग मत वो तो तेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा तू जहाँ बैठेगा वहां होगा ही होगा यही बात स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने समझाई। और स्वामी विवेकानंद जी एक बार रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैं रामकृष्ण मठ मान लूंगा तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा नहीं तू नहीं मानने का नहीं मानने का मेरे कोई मठ वगैरह नहीं मानने का। तो रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद कहते हैं कि हे प्रभु मैं तुम्हारा शिष्य हूँ तुमसे दीक्षा लिया हूँ तुम मुझे सारे संसार में प्रसिद्ध करते हो अमेरिका में विवेकानंद का नाम लिया जाता है रामकृष्ण परमहंस का नाम नहीं लिया जाता क्या मेरा शिष्य का कर्तव्य नहीं बनता कि मेरे गुरु का नाम संसार में रख सकूं। मैं शिष्य हूँ तुम्हारा नाम सारे सारे संसार में फैलाऊंगा और रामकृष्ण मठ पाऊंगा तुम्हें देना ही है मुझे अपना देना ही है ऐसा उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा। ये शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु का नाम संसार में फैलाए। मैं ये जो वचन जब भी सुनता हूँ तब मुझे लगता है कि मेरे गुरु जी का नाम सारे संसार भर में फैल जाए उनके वचन हर एक सिद्ध है उनकी साधना सिद्ध है मैं संसार को बता सकूं। उनकी कोई भी आज साधकों में एक धारणा है साधकों में ये बात मन में पड़ी हुई है कि कोई साधना सिद्ध नहीं होती कोई स्वर्ण बनता नहीं कोई पार ज्ञान है ही नहीं ऐसा। लेकिन मैं हमारे साधकों को ये बताता हूँ चांदी पांच मिनट में बन सकती है स्वर्ण बन सकता है। मैं अगर आपको गलत नहीं कह रहा हूँ तो पंड्या जी साक्षी है या यहाँ भी साक्षी है कि मैं पांच मिनट में ग्यारह दिन की ग्यारह दिन से रस्सी देखते हुए सोना बनाने की प्रक्रिया मैं सुना ये सोना नहीं चाहिए सोना स्वर्ण सिद्धि का मतलब होता है कायाकल्प होना अपनी को साधना करने के लिए हम निरोगी ना हो हमारे में अड़चन ना आए हमारे शरीर हमारा आयु हमारी हमारे आंख हमारे कान सब कुछ स्वर्ण सिद्ध हो हमारे अच्छा वर्ण हो हम साधना कर सकें। आने वाले दिनों में अगर आपको पता है तो आदि शंकराचार्य जिसके कनकधारा स्तोत्र बोलने से कनकधारा बही लेकिन वे आखिरी दम तक भी भिक्षा मांग कर खाए उन्होंने स्वर्ण की सिद्धि उन्होंने उपयोग नहीं की। उसी तरह हरेक संत हरेक सिद्ध सिद्ध होता है लेकिन अपने लिए उसका उपयोग नहीं करता क्योंकि जब सिद्ध होता है तो वह जहाँ बैठता है वहाँ खाना वहाँ सब कुछ आ जाता है वहाँ जहाँ बैठता है उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती देवताएं उसके साथ होते हैं। हमें उस सिद्धि प्राप्त करने के लिए जिस परीक्षा में आप एक बार आईएएस की डिग्री पास हो गए तो आपको कलेक्टर बोलकर बुलाएंगे डिग्री देखेंगे तो लोग कहीं ना कहीं आपको अच्छी नौकरी देंगे बुलाएंगे ही बुलाएंगे जब आप सिद्ध है तो देवता आपके पास आएंगे आएंगे। हमें इस सिद्धि के लिए उस स्वर्ण प्राप्ति के लिए सिद्धि नहीं करना है स्वर्ण प्राप्ति स्वर्णमय होने के लिए प्राप्त करना है। ऐसा कोई आज आप एक देवता बताओ चाहे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी कहते हैं लेकिन उस ब्रह्मचारी के सर पर भी स्वर्ण का मुकुट है स्वर्ण का जनेऊ है क्या वो स्वर्ण रहित है। ऐसे कोई देवता बताओ जिनके पास स्वर्ण खंड नहीं हो ऐसे कोई देवता बताओ जिनके पास जो केवल वैराग्यवान हो जिनके पास ये सिद्धियां नहीं है। हर एक लोगों ने स्वर्ण मुकुट पहना है तो आप क्यों दरिद्र रहना चाहते हो आप क्यों दरिद्रता भोगना चाहते हो आप भी सामर्थ्यवान व्यक्तित्व बने सिद्धियां अपने पास हो। हम बताएंगे हम 10,000 लोगों को एक समय खाना खिला सकते हैं। आज वशिष्ठ थे वशिष्ठ महर्षि जिनके पास काम धेनु थी स्वयं घास खाकर घास फूस खाकर फल पत्ते खाकर रहते थे लेकिन जब विश्वामित्र राजा थे विश्वरथ बनकर आए तो उन्होंने उनके 3,000 शिष्यों को अकाल पड़ा हुआ था खाना नहीं मिल रहा था वैसे धूप के समय में उन्होंने कामधेनु को आज्ञा की और सोने की थाली में अफसरशाह ने आकर खाना परोसा ये देखकर विश्वरथ आश्चर्यचकित हो गया कहने लगा कि यह क्या सिद्धि है जहाँ अकाल पड़ा हुआ है और ये विश्व वशिष्ठ ऐसा खाना खिला रहा है। उसने कहा कि कामधेनु सिद्धि है कामधेनु सिद्धि है और इस कामधेनु सिद्धि से प्राप्त कर सकता है। विश्वरथ ने कहा कि हे वशिष्ठ ये कामधेनु तेरे पास नहीं मेरे पास नहीं चाहिए मैं राजा हूँ जिससे मैं 10 लोगों को उपयोग करूंगा। तो वशिष्ठ ने कहा कामधेनु तुम्हारी नहीं हो सकती ये मेरी सिद्धि है तुम्हें इसे प्राप्त करना है तो तुम्हें भी इसे साधना करनी होगी। तो उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय हूँ और मैं खींच कर ले जाना जानता हूँ तो एक बार इस कामधेनु को छूकर तो देखो। विश्वामित्र जैसा ही कामधेनु को पकड़ा तो उसका एक बाल निकाल कर जैसा ही वशिष्ठ ने उनके ऊपर डाला सारी ओर आग लगे
औषध भागे तब शंकर ने दीक्षा प्रिय धर्म देखिए मेरे हाथ में जो धिकार है ये खड़ग का ये राजापन का ये सभी का ब्रह्म तत्व जो है ब्रह्मर्षि तत्व जो है वही श्रेष्ठ है और साधना ही श्रेष्ठ है। संसार को जमाना है तो क्षत्रियता को छोड़कर ब्रह्मर्षि बनने के पीछे पड़ गए और शंकर ब्रह्मर्षि हुए। आज हमारे भारत को वही ब्रह्मर्षि तत्व चाहिए। हम अगर हमारे भारत को उज्ज्वल देखना चाहते हैं तो उस ब्रह्मर्षि को हम प्राप्त करें उन साधनाओं को गुरु जी लेकर साधनाओं के माध्यम से आए। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम मेरे पाया पढ़ो और मैं तुम्हें सिद्धि देता हूँ। गुरु जी ने कहा कि तुम साधना करो मैं तुम्हें सिद्धि देता हूँ। साधना का मार्ग बताया रहस्य को बताया ये बात अलग है हम समझ नहीं सके। आजकल भटके हुए लोग कुछ भी कहते हैं कि हम तुम्हें सिद्धि देंगे तुम इतने हजार दो। हजारों से सिद्धि नहीं आती। हजारों से सिद्धि आती तो आज अंबानी और सिद्ध महापुरुष महर्षि कराते ब्रह्मर्षि कराते दाऊद इब्राहिम बड़ा महर्षि कहलाता। पैसा है उसके पास पैसा सिद्धि नहीं होती। सिद्धि वो होती है कि हम जब चाहे तब हम इस संसार में लोगों को दान धर्म कर सके दे सके और हम एक साधु जीवन जी सके उसे कहा गया है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। मैंने सुना हमारे अनिल भाई पटेल हैं उनको उन्होंने एक बात की मुझे आते समय गुरु जी मैं गुजरात से आश्रम के लिए 8 गाय भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भेज दो। रामचंद्र की हनुमान की महादेव की उन सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाली पीढ़ी है आने वाली युवा है अगर वे इस कार्य को सक्रिय रूप से ऐसे ही करेंगे तो आने वाले कल के लिए इस ज्ञान को छोड़ दिए जाएंगे। हम आप धन दो या न दो यह भी दान व्यवस्था है तो यह भी ज्ञान दान है और ज्ञान दान करने वाला यह कार्य शिविर के रूप में श्रेष्ठ कहा जाता है जीवन की पगड़ी बदलता है। उन कुणाल हरीश और इन सभी को उनके साथ बड़े धैर्य के साथ स्त्री होते हुए भी बैरिड बैंक खड़े रहकर उनके साथ खड़े रही और इस कार्य को संपन्न करवाया और अदृश्य रूप से जो भी उनके साथ खड़े हैं अप्रत्यक्ष रूप से उनको भी मैं पूर्ण आशीर्वाद देता हूं कि वे इस तरह कार्य करें। वे कार्य करते समय उन्होंने बहुत अड़चने अनुभव की बहुत तरीके का विरोध उन्होंने सहन किया। जब मेरे पास आए तो मैंने कहा इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर सूर्य के ऊपर बादल आए हैं तो कुछ घंटों के लिए सूरज तो अपना प्रकाश देगा ही अपना कार्य करेगा बादल कट जाएंगे। ये बादल क्षण के लिए आते हैं और अंधेरा करते हैं तो सूरज में पकड़ नहीं है शक्ति नहीं है ऐसा नहीं समझना। बादलों को हटाना सूरज जानता है। हम आज इस कार्य को संपन्न करवाते हुए खड़े रहकर जलने के लिए कार्य किया है। हम सभी को मेरी ओर से गुरु जी को प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि वे इस तरह कार्य करते रहे और एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि ज्ञान में ज्ञान दान के अंदर आप तकलीफ से अपने मन को कष्ट पहुंचाते हुए कोई कार्य ना करें। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गुरु जी हमारे पास कुछ नहीं है हम शिविर करना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूं कि मैं यहां आकर शिविर करवा कर ज्ञान दान देकर रहूंगा क्योंकि प्रभु सद्गुरुदेव जी ने मुझे मेरे आंगन में लक्ष्मी नचाई है। लक्ष्मी नाचती है मेरे को उस चीज की कोई कमी नहीं जिस चीज की आप कोई लोग भी समझते हैं तो उसके कारण ज्ञान दान देने में मैं आपके साथ सदा अपना कर्म का फल जिसे किसी भी रूप में गुरु को समर्पित करें। गुरु को शिष्य संपूर्ण रूप से समर्पित हो और शिष्य से गुरु कुछ ना ले ये गुरु शिष्य का संबंध है बहुत विचित्र संबंध है। शिष्य अपना सब कुछ समर्पित गुरु को कर ले और गुरु शिष्य से कुछ ना ले यह गुरु शिष्य का संबंध है और इस संबंध को जो चलाता है
जैसे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद में था, कभी उन्हें उनके बीच में पैसा नहीं आया। पैसा एक वह चीज है जो कार्य करते समय मैं आज भी मांग रहा हूँ, मैं जहाँ भी बैठा हूँ मेरे घर की जायदाद या मेरे घर की कृपा से मैं बैठ के खा सकता हूँ, पुत्र पौत्र सभी उनकी जगह बहुत आनंद के साथ है, और इसके पीछे मेरा उनको और आशा नहीं है। केवल यह आशा है कि मेरे गुरु का नाम सारे संसार भर में हो और उनके वचन सिद्ध हो, उसके लिए विश्वविद्यालय स्वामी निशुलेखा केंद्र के नाम से विश्वविद्यालय स्थापना हो। जो दसवां विद्याएं आज लुप्त हो गई है, उस विद्या का सिद्धि लुप्त हो गई है, उसको संसार के लिए बताऊं, और वो कार्य करने के लिए मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ। मैं सक्षम हूँ, अगर मैं गुरु जी का शिष्य हूँ तो करके बताऊंगा, मेरे जीवन में जब तक प्राण है आज तक गुरु जी के लिए जीऊंगा और गुरु जी के प्रसिद्ध है संसार को बताऊंगा। आपका कर्तव्य केवल यह कर्तव्य है कि आप गुरु जी हृदय रहना, यह हमारा नहीं, यह हमारा कार्य नहीं है और हमेशा कार्य नहीं करेंगे। जहाँ स्वामी विवेकानंद जी का कार्य हुआ, मैं तो आपको कहता हूँ जहाँ स्वामी विवेकानंद जी का फोटो देखा वहां को ज्ञान अच्छा लगा, आप पूरी खुशी के साथ जा सकते हैं, आनंद के साथ जाते हैं, मेरा विरोध कहीं भी नहीं है। आप हर जगह जाओ जहाँ ज्ञान प्राप्त हो वहां ज्ञान प्राप्त करो, और जब जहाँ आपको शांति लगे वहां भी जरूर आओ। किसी को जाते हुए कहीं भी रोकना नहीं है और कहीं रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि सूर्य को कोई रोक नहीं सकता, उसका कार्य निरंतर चलते रहता है और उसको रोकने की प्रक्रिया भी मत करो। वो एक अति का बहुत बोला है, अगर वो अपने अपने ताप को कभी आपके ऊपर दे देगा तो आप एक मिनट में निकल जाओगे, उसको प्रकाश के रूप में देखो तो अच्छा है। गुरु रूप में निखिल ज्योति को दीपक के रूप में देखो तो प्रकाश देगा, और अग्नि समझकर उसको जरा हाथ लगाओ तो जल जाएगा। वो निखिल ज्योति है, उसके उसके साथ खेल खेलना नहीं, उसको दीपक के रूप में प्रकाश के रूप में ही लो, आपको भी आनंद रहेगा, हमें भी आनंद रहेगा, और सब आने वाले प्रकाश देने वाला वो ज्योति जलते रहेगी। उस अग्नि के साथ खिलवाड़ मत करना। और मैं यह कहते हुए कि हम यहाँ आए या ना आए, जिन्होंने भी गुरु कार्य किया है आज तक, उन सभी को भी धन्यवाद देते हैं। आगे ऐसा कार्य ना हो कि जिसमें गुरु को शरण करनी पड़े, कि गुरु को लज्जित होना पड़े, ये भी मेरे शिष्य थे, ये भी मेरे शिष्य हैं और इनको ऐसा कार्य करे, ऐसा कार्य ना हो। मैं आप आए हुए सभी में स्वामी परेशान जी को देखता हूँ, इसलिए आप सभी का एक बार गुरु के साथ जयकार हो। बोलो सिद्धार्थ संसार परिवार की जय। बोलो सिद्धार्थ संसार परिवार की जय। हर हर महादेव। यहाँ आने वाले साधकों की एक बार जय बोलो, यहाँ जो आए हुए साधक उनकी जय बोलो, एक बार बोलो स्वामी परेशान सदगुरु भगवान की जय। अब जो नहीं आए उनकी जय बोलो, स्वामी परेशान